सो वेलकम बैक हमारी गेम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी हुई है बट मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जैसे ही अभी के लिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे मेरा प्लेयर वन और प्लेयर टू गेम विन करता है तो यहाँ पे एक्स वो की जगह पे लिखा है प्लेयर वन वो प्लेयर का नेम आए और फिर लिखा है वो राइट अब यहाँ पे प्लेयर का नेम प्लेयर वन हो सकता है या एडिट करके उसने इसका नाम जस्ट लाइक अली हो सकता है सो वट्स एवर भी जो भी यहाँ पे नेम हो वो नेम आए और आके लिखा है वो अब ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम करने के लिए हम वापस जाते हैं अपने वी एस कोड में बट वी एस कोड में ये काम ये कौन मैनेज कर रहे ये हमारा मैनेज कर रहे प्लेयर तो यहाँ पे हमारे पास प्लेयर के कंपोनेंट्स हैं जो कि दो टू मल्टीपल प्लेयर्स हैं तो, तो हमारे है, तो प्लेयर का कंपोनेंट है ये वाला अब यहाँ पर ये काम हो रहा है जो हमारा प्लेयर का नेम वाला सारा काम यहाँ पर हो रहा है इस जगह आप में से अक्सर को ख्याल ये होगा कि क्योंकि हमें प्लेयर का नेम चाहिए अपनी ऐप टू जी एस एक्स के अंदर होगा मैं ऐप की जो प्लेयर की जो स्टेट है ये वाली यहाँ पे अपडेट हो रही है ये वाली तो आप लोगों का ख्याल होगा कि कह लेते हैं मैं इस स्टेट को कर लूँगा अपने ऐप टू जी एस एक्स के अंदर ताकि के जो प्लेयर का जो नेम है उसको प्ले डॉट जी एस यूज कर सके और उसको गेम ड्रा डोट जी एस यूज कर सके बट डेट नॉट और डेट सिंपल ये इतना ईजी नहीं है आपने ये भी देखना है आपने कब एक स्टेट को अपलिफ्ट करना है कब नहीं करना अब अगर हम प्लेयर के सनहरी में जाए तो प्लेयर के सनहरी में हो क्या रहा है प्लेयर के सनहरी में ये स्टेट प्लेयर का नाम सेट कर रही है और लाइक के आप देखिए हमने प्लेयर का जो स्टेट है उसको एक दो यूज किया पूरी गेम जब नेम चेंज करना है आपने तब हम यूज कर रहे हैं और तभी ये वर्क कर रही है और उसके साथ साथ जो ये प्लेयर वाली स्टेट है ये इधर यूज हो रही है इस एडिटिंग में तो जब भी अगर आप इसको ले आते हैं ना ले आते हैं अपने अपलिफ्ट कर लेते हैं तो ये हर की स्ट्रोक के साथ हर बटन के साथ ये पूरी पूरा बोर्ड होगा तो हम ये नहीं चाह रहे होते तो मीनस ये इन डेट केसेस जहाँ पे आप अपनी स्टेट को अपलिफ्ट ना कर सकें उस स्टेट में आपको ये यहाँ पे समझ आएगा कि उस स्टेट में आपने क्या करना है जैसे प्लेयर की स्टेट है हम इसको अपलिफ्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते हमारे पास मल्टीपल रीजन हैं और सेकंड वन रीजन इस ये है कि आप यहाँ पे देखें हम यहाँ पे प्लेयर की जो स्टेट है वो दो प्लेयर्स यूज कर रहे हैं दो डिफरेंट कंपोनेंट्स एक ये वाला कम्पोनेंट अपनी स्टेट अलहदा यूज कर रहा है और ये वाला कंपोनेंट की स्टेट अलग है तो टू डिफरेंट स्टेट्स जो है वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स इस स्टेट को यूज कर रहे हैं इन शॉर्ट के जब आप अपनी स्टेट को अपलिफ्ट नहीं करते तो उस शहरी में जैसे प्लेयर की स्टेट को अपलिफ्ट नहीं करना चाह रहे लेकिन हमें प्लेयर का नेम चाहिए में तो हम कैसे वो लेके आएंगे उसका सिनेरियो कैसे लेके आएंगे आएंगे और यहाँ क्रिएट करते हैं कॉस्ट और यहां पे हम क्या हैं यूज स्टेट और अब यहाँ पे, पे यूज स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर हमारे पास दो प्लेयर्स दो प्लेयर्स मीन्स कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे कहता हूँ हमारे पास प्लेयर की स्टेट है उस स्टेट के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है और यहाँ पे इनिशियल लेवल पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जो के हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स है पहला ऑब्जेक्ट ये है कि एक्स का प्लेयर के सिंबल की बेस पे कि एक्स के ऊपर कौन सा प्लेयर ने मैप कर रहा है और जीरो के ऊपर कौन सा प्लेयर ने मैप कर है तो ये हमारे पास एक इनिशियल ऑब्जेक्ट आ गया हमारी स्टेट का कि एट फर्स्ट ये होगा सेकंड क्या होगा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे प्लेयर्स होंगे और सेट प्लेयर्स यहाँ पे आ गए अब करंटली हमारे प्लेयर्स के अंदर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमारा जो एक्स सिंबल है उसका नाम प्लेयर वन है जीरो सिंबल है उसका नाम प्लेयर टू है ठीक अब हम इसको अपडेट हमने इस वे में करना है कि पहले तो हम देखेंगे अगर तो किसी ने हमारे प्लेयर्स की कंपोनेंट के अंदर जाके हमारे प्लेयर के नेम को एडिट किया कि नहीं किया अगर तू एडिट किया तो यहाँ पे आके इस इनिशियल स्टेट को अपडेट करेगा एक चीज और फिर हमारे पास जो हमारे पास जो अरे आ जाएगी प्लेयर्स की हम उनमें से अपने प्लेयर्स में जो विन करेगा उसको शो करवा देंगे अब यहाँ पे हम आते हैं यहाँ तक तो सही हो गया अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे कहता हूँ फंक्शन और तो ये वाला फंक्शन है ये हम अपने यहाँ पे दे देंगे प्लेयर को अच्छा अभी अब देखिए हम आपको लग रहा होगा हमारा एप टू जेस बहुत ज़्यादा हो गया हम इस पर भी वर्क करेंगे सो अभी हम प्लेयर पे आते हैं और प्लेयर पे यहाँ पे आके हम इसको देते हैं एक और प्रो ए और ऑन चेंज नेम इज इक्वल टू यहाँ पे हम देते हैं हैंडल प्लेट चेंज इसको प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे प्लेट और चेस के अंदर आते हैं ऊपर पे और यहाँ से हम लेते हैं चेंज और उसके बाद हम अपने जो हमारे पास और चेंज नेम को कहाँ पे, पे हम इसको ले आते हैं यहाँ पे सेट इस एडिटिंग में जहाँ पे हम अपने बटन को जो हैंडल एडिट बटन वाला कोड था उधर आए थे यहाँ पे मैं लिखता चेंज और क्योंकि हमारे पास और चेंज नेम फंक्शन जो है इसके अंदर क्या चीज आ रही है इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं इसको हम दो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं एक सिंबल है एक प्लेयर नेम है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और प्लेयर नेम ओके okay, अब यहाँ पे जो हमारे पास हम ऑन चेंज नेम का जो हमारे उसको हमने सिंबल दिया और प्लेट नेम किया अच्छा अब ये फंक्शन हमारे पास चलेगा कहाँ पे यहाँ पे एपडोट जेस में जहाँ पे ये हमने था ना हमारा फंक्शन था हैंडल प्लेट नेम चेंज हम इस फंक्शन पे वापस आते हैं अपने और कहाँ पे हमारे पास है हैंडल प्लेट नेम चेंज का फंक्शन हमने क्रिएट किया था आ, ये alright हम इस फंक्शन पे वापस आते हैं अपने अब इस फंक्शन में हमने बेसिकली क्या करना तो इस फंक्शन में बेसिकली हमने करना है इस फंक्शन में हम देखेंगे और two, जो कि आपके गेम बोर्ड में है, ये प्लेयर वन प्लेयर टू इन केस हमारा नेम चेंज होता है वो तो जो नेम चेंज होगा ना वो नेम हमने इस फंक्शन में हैंडल करना है कि वो इस फंक्शन में उसको अपडेट करे right, तो इस फंक्शन में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं पहली चीज आ रही है सिंबल और दूसरी चीज हमारे पास इसमें आ रही है न्यू नेम और यहां पे हम क्या करते हैं यहां पे हम कहते हैं सेट प्लेयर्स टू प्रीवियस प्लेयर्स ये आपको आइडिया होगा कि कहां से है प्रीवियस प्लेयर्स और प्रीवियस प्लेयर्स के साथ हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं अच्छा प्रीवियस प्लेयर्स हमारा एज अ प्लेयर कहा जो कि प्रीवियस प्लेयर्स हमारे पास आया जो ये हमारे पास प्लेयर्स की जो वैल्यूज थी ना इस स्टेट के अंदर हमारे इस स्टेट के अंदर ये जो प्लेयर्स की वैल्यूज थी ये प्लेयर्स की वैल्यूज हमने प्रीवियस प्लेयर्स के अंदर स्टोर करवाई हैं तो प्रीवियस प्लेयर्स जो अभी सेट प्लेयर्स चल रहे हैं। तो प्लेयर्स की जो वैल्यूज होगी वो प्रीवियस प्लेयर्स में हमने स्टोर करवाई वो है तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे यूज करते हैं अब मैंने अपडेट करना है प्लेयर इनकेस अगर मेरा प्लेयर अपडेट हुआ है तो वो जो अब मेरा प्लेयर

इस न्यू नेम के अंदर जो वैल्यू आ रही है और इस सिंबल के अंदर वो आ रही है यहाँ से प्लेयर नेम से जो प्लेयर नेम यहाँ पे एडिट होके आया प्लेयर नेम और जो सिंबल आया, आया, आया वो चेंज नेम के अंदर यहाँ पे सिंपल है और प्लेयर नेम आया वो प्लेयर नेम आया उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे इस प्रोप के थ्रू यहाँ पे भी हम देते हैं इसको यहाँ पे आया और यहाँ से हम अपडेट करेंगे तो कौन सी वैल्यू हमारी अपडेट होगी वो रहा सिम्बल और उस सिंबल के अगेंस्ट नेम का वो हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे इसको हम कहते हैं और अभी यहाँ पे अच्छा प्लेयर्स हमारे पास ट्वेंटी और अच्छा इसको भी हम देखते हैं जब हमने बात की यहाँ पे तो हमारे प्लेयर डॉट चेस में यहाँ पे हमने प्लेयर नेम और सिंबल दे दिया इसको अब इसमें जाके हम इस प्लेयर्स को असाइन करेंगे किसको इसको यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ अभी आपको समझाने के लिए कि जो हमारा विनर होगा ना वो हमारा होगा प्लेयर्स प्लेयर्स की अरे में से प्लेयर्स के पास हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है तो दो सिंबल्स हैं प्लेयर्स के पास जो बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स है ना एक एक्स है एक जीरो है तो प्लेयर्स के अंदर जो सा प्लेयर्स के अंदर जो फर्स्ट सिंबल होगा जो मीन के हम कह रहे हैं प्लेयर्स के अंदर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लाइक के प्लेयर player के प्लेयर्स के अंदर एक्स है या प्लेयर्स के अंदर जीरो के जो अगेंस्ट नेम लिखा हुआ है प्लेयर डॉट या आप इसको ऐसे भी कह लें प्लेयर्स डॉट एक्स प्लेयर डॉट जीरो के अगेंस्ट जो नेम लिखा होगा वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम प्लेयर स्टोर फर्स्ट टॉक सिंबल अब फर्स्ट ब्लॉक सिंबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है और जीरो पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे हम विनर के अंदर ले आए अब जहां जहां है वहां वहां पे वो नेम आ जाएगा हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं ठीक है प्लेयर वन वन रीमैच किया तो ये इस तरह आ गया तो डेट्स ये हमारा कोड था छोटा सा तो क्योंकि फर्दर अब हम अब थोड़ी सी अपनी एप टू थीएसएक्स को साफ करेंगे और ऑलमोस्ट हमारी गेम कंप्लीट होगी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज